दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जनसमर्थ सरकारी पोर्टल से बिजनेस लोन लेने का लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों इस सरकारी पोर्टल से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंकों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका जो लोन है वो डिजिटली ही अप्रूवल हो जाता है और इसी सरकारी वेबसाइट के थ्रू आप अपने लोन की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कारोबार चालू करना चाहते हैं, छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो इस सरकारी वेबसाइट के थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जितना भी लोन अप्रूवल होता है इस लोन पर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी और ये जो लोन है आपको कितने टाइम पीरियड तक मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या एलिजिबिलिटी एंड क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके कवर करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जनसमर्थ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आने के बाद में इस वेबसाइट का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद में आपको पेज में स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे यहां पर पेज में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे कैटेगरीज के लोन देखने को मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप यहाँ पर एजुकेशन लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, बहुत सारे लोन की कैटेगरी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। और जिसका लोन का जो प्रोसेस है काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं द प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करनी है कि आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और लोन मिलेगा तो आपको कौन सी स्कीम के तहत मिलेगा और कितना लोन आपको मिलेगा। इसके बाद में आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर अप्लाई करना है एंड आपका जो भी दोस्तों अप्रूवल है वो डिजिटल ही अप्रूवल हो जाता है। डिजिटल अप्रूवल होने के बाद में आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड आप अपना ट्रैक वगैरह भी यहां से ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। पर पेज में आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। बिजनेस एक्टिविटी लोन में आप यहां पर 6 स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर नीचे देखेंगे चेक एलिजिबिलिटी, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर कुछ बिजनेस के नेम शो हो रहे हैं, तो आपका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस अगर यहां पर आपका बिजनेस का नेम शो हो रहा है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहां पर अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको और भी ऑप्शन शो हो जाते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट टाइप बिजनेस एक्टिविटी योर डॉगिंग, से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका फ्रेश नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है क्या आपकी जो एजुकेशन है वो 8th पास है या फिर 8th पास नहीं है, तो आप अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी एजुकेशन 8th पास है, हम यस पर क्लिक करेंगे। Have he undergone EDB training? दोस्तों अगर आप ये EDB training आपने ले रखी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहां पर अपने हिसाब से नो के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो बिजनेस है वो क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फिर बिजनेस सर्विस से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहां पर बिजनेस ए सर्विस पर हम यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जो भी जेंडर है आप मेल है या फीमेल है वो अपने हिसाब से यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू श्योर एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकली हैंडीकैप। दोस्तों अगर आप पहले कोई सर्विसमैन रह चुके हैं, कोई सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं या फिर दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की फिजिकली हैंडीकैप है, आपकी बॉडी में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो भी आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आप यहाँ पर नो के बटन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ लोकेशंस के नेम से हो रहे हैं, कुछ स्टेट के नेम से हो रहे हैं। अगर इन स्टेट इन लोकेशन के अंदर आपका बिजनेस है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट योर लोकेशन, आप किस लोकेशन में रहते हैं, ग्राम में या फिर शहर के अंदर, तो आप शहर में रहते हैं तो अर्बन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट टाइप एजुकेशन बेनिफिशियरी पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आप जो बिजनेस चला रहे हैं, आप जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं उस बिजनेस में आप कितना रुपया लगाना चाह रहा है, यानी कि दोस्तों आपका जो बिजनेस है टोटल कितने रुपए से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है यहां पर लगभग 2 लाख रुपए में चालू हो जाएगा, हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपए लगने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे से यह पूछा जा रहा है कि 2 लाख रुपए के अंदर आपके पास में प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए की व्यवस्था है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर 1 लाख रुपए टाइप कर दूंगा क्योंकि मेरे पास में जो व्यवस्था है फिलहाल 1 लाख रुपए की है। तो हमारा आप यहां पर देख सकते हैं 2 लाख का हमारा बिजनेस
इसमें इन्वेस्ट होने वाला है और 1 लाख रुपए की हमारे पास में व्यवस्था है, तो हमें जो लोन चाहिए वो प्रजेंट में 1 लाख रुपए का यहाँ पर लोन चाहिए, जो कि यहाँ पर टाइप होकर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद में आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। आप जैसे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो आप ऊपर में ही देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। दोस्तों ये लोन लेने के लिए हम यहाँ पर एलिजिबल है और 2 स्कीम के तहत हमें ये लोन मिल सकता है, जिसके अंदर पहली स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत एक तो हमें यहाँ पर लोन मिल सकता है और जो दूसरी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि इस स्कीम के तहत भी हमें यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में आपको बता दूं, इस योजना के तहत अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ईएमआई है वो आपको 2120 रुपए की ईएमआई आएगी और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% का आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। और इस लोन का जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 ईयर दिखाया गया है, यानी कि 5 साल तक आप ये लोन पे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको इस योजना के तहत सब्सिडी भी मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद में दोस्तों आपको जो नेट अमाउंट रहेगा वो आपको 70,000 रुपए पे करना होगा। तो 70,000 के अंदर दोस्तों आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 9% इंटरेस्ट रेट लगेगी और आपकी जो ईएमआई आएगी वो 1,010 रुपए की ईएमआई आएगी और ये जो आप अमाउंट है वो 15 साल के अंदर रिफंड कर सकते हैं। अगर पहले ही आपके पास में व्यवस्था हो जाती है तो लोन आप पहले भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दूसरे नंबर वाली स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस स्कीम में आपको किस प्रकार अप्लाई करना है एंड इस स्कीम से आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं, तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। उस वीडियो पर क्लिक करके दोस्तों आप इस स्कीम के तहत लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम इस जो फर्स्ट नंबर की स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के तहत हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में दोस्तों आपकी जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड ये कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करके टर्म्स पर क्लिक करके आप दोस्तों टर्म्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी खुलकर आ जाती है, तो इनको आप रीड आउट कर लेंगे, पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है जो पॉलिसी है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी, ओके का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशन आपको यहां पर रीड आउट कर लेना है, पेज में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो टर्म एंड कंडीशन भी यहां पर ग्रीन हो जाती है, यानी पर ओके का चिन्ह आ जाता है। इसके बाद में आपको जो भी डिस्क्लेमर है उसको रीड आउट करना है एंड एग्री के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है, ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है एंड आपको वेरीफाई ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे वेरीफाई ईमेल ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आ जाती है, ईमेल आईडी वाली ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड यहाँ पर अपने बना लेने हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ नीचे दिए हुए हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड आउट करके पासवर्ड आपको बना लेना है एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस पेज में आप एक स्टेप बैक आ जाते हैं। इसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर देखेंगे तो आपको अप्लाई की जगह नीचे प्रोसीड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो जो भी लोन आप इस स्कीम के भी तहत लेना चाहते हैं उसके सामने आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल दिखाई देगी, रिव्यू डिटेल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने कौन सी चीज़ें यस एंड कौन सी चीज़ें नो की है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। इसके बाद में आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंफर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स शो हो रही है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसके अंदर आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपको देना होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको देना होगा, सेल्स डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी एंड बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद भी प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कंसल्ट देने होंगे, तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, आपका आधार कंसल्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इनकम टैक्स की जो कंसल्ट है वो आपको देनी है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स की कंसल्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी एंड उद्यम वाली कंसल्ट यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके कंप्लीट कर लेंगे एंड दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके सभी कंसल्ट को आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर आपको पैन कार्ड पर क्लिक करना है। पैन कार्ड पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो सिंपली आप रजिस्टर्ड पैन कार्ड पर क्लिक करके आप नया पैन कार्ड यहीं से बना सकते हैं।
तो आपके पैन कार्ड नंबर आप यहां पर फिल करेंगे एंड पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड की जो डिटेल है यहां पर सबमिट हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर नीचे देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके उद्यम की डिटेल यहां पर सबमिट हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड। अब दोस्तों आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपलोड आधार भी यहां पर कर सकते हैं। तो हम यहां पर हमारे आधार नंबर फिल करेंगे एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में हमारे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है तो हम यहां पर ओटीपी को नीचे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड की जो डिटेल है वो यहां पर हाईलाइट होकर आ जाती है और हमारे आधार कार्ड की केवाईसी यहां पर सक्सेसफुली तरीके से हो जाती है। तो इस डिटेल को आपको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए आपने जीएसटी नंबर ले रखे हैं या फिर नहीं ले रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन चुन लेना है और अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखे हैं तो आपको अदर वाले रीजन पर क्लिक करना है और जो भी आपका रीजन है वो आप यहां पर डालेंगे एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर ऊपर देखेंगे सेल्स डिटेल। सेल्स डिटेल आपके सामने आ चुकी है जिसके अंदर दोस्तों सेल्स के लिए अगर आपके जीएसटी नंबर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। तो हम यहां पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम बिजनेस डिटेल आ चुकी है तो दोस्तों बिजनेस डिटेल का जो बिजनेस का भी नेम है वो नेम हम यहां पर फिल करेंगे। बिजनेस का नेम फिल करने के बाद दोस्तों हमारे बिजनेस स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्टिंग डेट हम यहां पर फिल करेंगे। तो इस कैलेंडर के माध्यम से हम स्टार्टिंग बिजनेस डेट है वो यहां पर चुन लेंगे। स्टार्टिंग डेट चुनने के बाद दोस्तों हमारा बिजनेस पार्टनरशिप में है तो हम यहां पर पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। हमारा स्टेट हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, हमारी सिटी हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर हमें शो हो रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हाई सेल्स हम यहां पर टाइप करेंगे। इसके बाद में हमारी मंथली सेल है, जो मंथली सेल का जो अमाउंट है वो अमाउंट हम यहां पर फिल करेंगे। तो यहां पर मंथ वाइज हम यहां पर सभी जो हमारी सेल का अमाउंट है वो हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप करके फिल कर देंगे तो हमारी जो टोटल सेल्स है वो यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में हम यहां पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों फाइनेंशियल डिटेल हमसे यहां पर पूछी जा रही है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का एक पेज आपके सामने खुलकर आ चुका है। तो फाइनेंशियल आपकी फाइनेंशियल की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी है, जिसके अंदर दोस्तों आपने कितने रुपए की सेल की है, जिसके अंदर आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सेम इसी प्रकार आपको जो भी आपका जो अमाउंट आने वाला है, कितने रुपए की आपकी उधारी है, कितने रुपए आपने उधार पे सेल की है और कितने सेल पर आपको कितना बेनिफिट हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर फिल कर लेना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इनकम डिटेल है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करनी है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करना है एंड दोस्तों आपका जो भी अकाउंट की डिटेल है वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट साइंस जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पर चुन लेनी है। इसके बाद में आपके अकाउंट नंबर एंड कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे आपके अकाउंट का टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सेविंग है या फिर करंट है। इसके बाद में आपके अकाउंट के आईएफएससी कोड है, वो आईएफएससी कोड आपको यहां पर फाइंड करके आईएफएससी कोड आपको यहां पर फिल करना है एंड नीचे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी जो बैंक की डिटेल है वो भी यहां पर सक्सेसफुल तरीके से वेरीफाई हो जाती है। अब दोस्तों आपको अपनी बिजनेस की डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है। तो दोस्तों आपका जो भी एम्प्लॉयड टाइप है, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉयड काम करते हैं, उन एम्प्लॉयड की संख्या आपको यहां पर फिल कर देनी है। इसके बाद में ओपनिंग साइंस जो आपकी ओपनिंग डेट है बिजनेस की, वो डेट आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी बिजनेस की डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है। आपके बिजनेस का जो एड्रेस वगैरह है, कौन सी जगह आप बिजनेस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहां पर फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस की कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है। बिजनेस की कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर फिल करने के बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बिजनेस डिटेल के अंदर आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। तो आप यहां पर इस लिस्ट में से देख लेंगे तो हमारा आईटी से रिलेटेड ये बिजनेस है और हम यहां पर सेक्टर चुन लेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो किस सेक्टर से है, वो सेक्टर हम यहां पर चुन लेंगे, सब सेक्टर हम यहां पर चुन लेंगे। यानी कि दोस्तों टोटल हमारा बिजनेस किस टाइप का है, किस टाइप से हम यहां पर बिजनेस करते हैं, उसकी डिटेल हम यहां पर फिल कर देंगे। सब लिस्ट में रिटेलर वगैरह है जो भी है हम यहां पर कंप्लीटली फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर लोन डिटेल्स पर आ चुके हैं तो ये लोन हमें किस पर्पज के लिए चाहिए, तो हम किंग कैपिटल्स यहां पर चुन लेंगे। इसके बाद में हम यहां पर लोन डिटेल दोस्तों एक बार फिर से हम यहां पर डाल सकते हैं, हमारे पास में कितना पैसा है, रेट हम कितना लोन चाहते हैं, वो लोन की संख्या एक बार हम यहां पर दोबारा एडिट करके यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यहां पर मंथली सेल्स एक बार यहां पर वापस से फिल कर लेंगे। सारी मंथली सेल एक बार वापस से फिल करने के बाद में दोस्तों हम यहां पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो उस लोन का अमाउंट आप यहां पर फिल करेंगे और किस बैंक से आपका लोन चल रहा है,
उस बैंक को आप यहाँ पर चुन लेंगे, टाइप ऑफ लोन, किस चीज़ का आपका लोन चल रहा है, और उस पहले वाले लोन की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। पहले वाले लोन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने के बाद में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फाइल है यहाँ पर कंप्लीट लगभग हो चुकी है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करके दोस्तों हमने जो जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है वो सारी डिटेल दोस्तों हम यहाँ पर वापस देख सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन, बिजनेस वेरिफिकेशन, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। एडिट के बटन पर क्लिक करके दोस्तों हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से सही कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें बैंक चुनने के ऑप्शंस आ चुके हैं। तो दोस्तों आप किस बैंक से यहाँ पर लोन प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितनी ईयर के लिए आपको ये बैंक लोन देगा। तो जिस बैंक भी आपके लिए सुटेबल रहेगा, जिस बैंक से भी लोन आपको सही पड़ने वाला है, वो लोन वो बैंक आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर लोन की अदर और भी ज़्यादा आप डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं, लोन का जो अमाउंट है, लोन का जो टाइम पीरियड है, लोन की इंटरेस्ट रेट है, लोन की प्रोसेसिंग फीस है, वो आप यहाँ पर सारी व्यू डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस बैंक से भी आप लोन लेना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पर चुन लेना है। तो बैंक चुनने के बाद में दोस्तों आपको चूज ब्रांच वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ब्रांच को चूज करने के बाद में आपके एरिया में जितने भी बैंक की ब्रांचेज होगी वो सभी ब्रांचेज यहाँ पर खुलकर आ जाती है। तो आपके एरिया की जो आसपास के एरिया की ब्रांच है उस ब्रांच को आपको यहाँ पर चुन लेना है। एरिया की ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपको पॉपअप दिखाई देगा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वाला, जिसके अंदर दोस्तों आपका जो टाइम पीरियड है वो एक साल का यहां पर हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर ब्रांच डिटेल्स के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं और यहाँ पर ऊपर में ही देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ये है रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल। आपका जो लोन है वो दोस्तों यहाँ पर डिजिटली ही अप्रूवल किया जाएगा, और यहाँ पर जो लोन की डिटेल है आप यहाँ पर नीचे देखेंगे 1,00,000 रुपये का लोन 1 ईयर के लिए हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करके हमारा जो स्टेटमेंट है उसको भी हम यहाँ पर ईजिली डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमारा स्टेटमेंट हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शो हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये लोन डिजिटली अप्रूवल हो जाता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर में जो लोन का राशि है हमारे बैंक अकाउंट में इजीली यहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है। दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके इस लोन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और फिर भी आपका कोई कंफ्यूज है, फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों साइड में आपको 2 वीडियो और शो हो रही होगी, इन दोनों वीडियो पर भी क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।